औद्योगिक नगरी पीथमपुर के एसआईपी रोड सागर स्थित निर्माणाधीन कंपनी में दिनांक 11/1/2024 की रात्रि में अज्ञात बदमाशों द्वारा वोल्टर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी सागर पर प्लांट की सेट लगाने की सामग्री चोरी कर लिए गए थे, जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए के लगभग बताई जा रही है। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना सागर पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जिला धार में होने वाली चोरी लूट डकैती की घटना पर पुलिस अधीक्षक धार मनोज कुमार सिंह के द्वारा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धार इंद्रजीत बाकलवाल द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक पीथमपुर अमित मिश्रा को निर्देशित कर आरोपियों की पतारशी कर चोरी गए मशरू का बरामद करने के निर्देश दिए गए थे, जिसके बाद नगर पुलिस अधीक्षक पीथमपुर के निर्देशन पर थाना प्रभारी सागर के द्वारा टीम गठित की गई। मुखबिर तंत्र सक्रिय कर त्वरित कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार कर उक्त आरोपियों से चोरी किया गया मशरू का व घटना में प्रयुक्त एक ट्रैक्टर ट्राली विधिवत जब्त की। जब्त किए मशरूका की कीमत 10 लाख के लगभग है। पीथमपुर से संजय सोनगढ़ की रिपोर्ट। सागर थाना अंतर्गत चोरी का मामला सामने आया है, आरोपी गिरफ्तार किया, क्या था पूरा मामला? सागर थाने के अंतर्गत चोरी की घटना प्रकाश में आई थी विगत 2 दिवस को। जो एसआईपी है वहाँ पे वोल्टर्स कंपनी है, उसकी उपकरणों को चोरों द्वारा चोरी किया गया था, जिसमें बाद में मुखबिरों के आधार पर और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सभी सागर के रहने वाले हैं और इनके कब्जे से पूरा माल जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपये है, साथ ही एक ट्रैक्टर ट्राली भी जब्त किया गया है जिसकी कीमत भी 5 लाख रुपए है। आपका नाम बताइए। अमित मिश्रा, CSP। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।